कोरोना वायरस को लेकर टॉक से बड़ी खबर। आपको बता दें, पिछले 12 दिनों में पॉजिटिव का आंकड़ा यहां पर 47 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग में इस बात से हड़कंप अब मच गया है। अभी तक 70 लोगों की जो रिपोर्ट है वो आना अभी तक बाकी है। कोरोना वायरस का कहर टोंक में नहीं थम रहा है। टोंक जिले में एक और कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया है। अब तक कुल 17 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। यह 17वां पॉजिटिव तबलीगी जमात से लौटे संक्रमित का ही पिता है। अब तक 192 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से 17 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से तबलीगी जमात वाले 13 लोग इनके संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। टोंक में 240 टीमों का गठन किया हुआ है। इन्होंने अब तक 10,000 घरों का सर्वे कर 63,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की है। इसमें 35 लोग साधारण खांसी जुकाम के मिले हैं। और इसी तरह हम आज टोंक के कर्फ्यू के हालात बताना चाहेंगे। टोंक में और टोडा में पूरी तरीके से कर्फ्यू जारी है और घर बैठे आवश्यक वस्तुओं के लिए होम डिलीवरी की सुविधा चालू कर रखी है। इसी तरह कल टोंक में डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे थे, जिन्होंने चिकित्सा विभाग की समीक्षा बैठक ली और सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया भी इस जिला अस्पताल में पहुंचे थे। वहां उन्होंने चिकित्सकों के चरणों को नमन करते हुए उनके कार्यों की सराहना की है। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 न्यूज़। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए टॉक से A1 संवाददाता फिरोज उस्मानी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, लगातार टॉक में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। आए दिन यहाँ पे संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, अभी नई अपडेट हो रही है, 11 और पॉजिटिव मिल चुके हैं। कल 47 तक ये आंकड़ा था, कल 20 पॉजिटिव और मिले थे और ये सभी बमोर गेट क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। और आज अभी सूचना आई है कि 11 और पॉजिटिव आ चुके हैं। ये सभी 11 भी वही बमोर गेट क्षेत्र के ही हैं। अब तक 58 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं टोंक में। जी जी जी, फिरोज एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, 58 लोग जो एक आंकड़ा है, काफी बड़ा आंकड़ा है टोंक जैसे क्षेत्र के लिए। इसके बाद में यहाँ पर लिहाज, जाहिर सी बात है कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें हड़कंप मची गया होगा। क्या तैयारियां उनके द्वारा की जा रही है अब लोगों को बचाने के लिए इस डिजीज से? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। जो बमोर गेट क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जा रहा है और वहाँ घर घर जाकर सर्वे किया जा रहा है। और इस सर्वे में अब तेजी आ गई है और इनकी जो सैंपलिंग है उसमें भी अब तेजी चालू हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि ये 1 अप्रैल को दिल्ली से आए 4 जनों में ये कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई थी। इसके बाद 3 अप्रैल को इनके संपर्क में आए 12 जने और पॉजिटिव मिले। इसके बाद धन्ना तलाई क्षेत्र के पॉजिटिव परिवार के 4 और नौशे मियाँ का पुल संक्रमित परिवार से 6 वे रजबन के परिवार से 2 जने और पॉजिटिव मिले। इसके बाद 5 अप्रैल को नौशे मियाँ के पुल निवासी 1 जना पॉजिटिव मिला। इसके बाद 7 अप्रैल को कुमारों की चौकी पर 1 वे बमोर गेट क्षेत्र से 1 जना और पॉजिटिव मिला। इसके बाद 10 अप्रैल को बमोर गेट निवासी पॉजिटिव परिवार के 7 जने और पॉजिटिव मिले। इसके बाद बमोर गेट क्षेत्र के ही संक्रमित परिवार के संपर्क में आए 20 जनों को शनिवार को पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद अब आंकड़ा 47 हो गया था, अब आज और 11 और पॉजिटिव सामने आए, जो अब 58 का आंकड़ा हो चुका है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद फिरोज। टॉक से आपको खबर बता रहे थे, A1 संवाददाता को आप सुन रहे थे। लगातार टॉक में भी कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। 58 जो आंकड़ा है वो अब पार कर चुका है कोरोना संक्रमित मरीजों का टॉक जिले में।